Hello everyone. The aim of the experiment is to find the coefficient of thermal conductivity of a bad conductor by Lee's method. So let us have a look at the apparatus. So यहाँ पे we have this metallic chamber S. Then this is the slab M. This is metallic slab, ठीक है. And there is a ebonite disc in between. जो ब्लैक कलर की डिस्क दिख रही है, दिस इज द एबोनाइट डिस्क. सो जो हमारा मेटेलिक चैम्बर है, इसमें यहाँ पे देखो, दिस इज इनलेट एंड दिस इज कॉल्ड आउटलेट. जो इनलेट है, इसमें हम स्टीम देंगे फ्रॉम दिस स्टीमर. यहाँ पे हम वाटर बॉयल करेंगे एंड स्टीम देन विल पास थ्रू दिस चैम्बर एंड कम आउट थ्रू दिस आउटलेट, ठीक है. और इसमें देखो, देर इज अ होल एंड वी आर इंसर्टिंग अ thermometer in this hole, and in the lower slab, this is the metallic slab, there is another hole and we are inserting the another thermometer in this hole. So this is thermometer T1 and this is thermometer T2, ठीक है. So हमें यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये जो हमारी disc है black, which is a bad conductor, वो हमें इन दोनों के बीच में insert कर देना है. And then we will switch on the heater, ठीक है. So now the heat will generate and it will pass through this chamber. तो chamber में से जैसे ही heat pass होगी, जो upper thermometer है, ठीक है, ये वाला T1, इसका temperature rise करना शुरू कर देगा. So we have to wait till the temperature of the अपर मेटालिक चैम्बर बिकम्स स्टेडी, ठीक है. तो जब तक ये टेम्परेचर एक स्टेडी स्टेट में नहीं पहुँच जाता, अराउंड 91-92 इसका टेम्परेचर होगा. सो टिल देन वी हैव टू वेट. एंड इसका जो ये थर्मोमीटर लगा है T1, इसका टेम्परेचर लेट अस से θ1 है. लोअर थर्मोमीटर T2 है, इसका टेम्परेचर लेट अस से θ2 है, ठीक है. सो क्या होगा कि जो अपर थर्मामीटर है, इट्स टेम्परेचर विल राइज वेरी रैपिडली. जैसे ही स्टीम पास करना स्टार्ट करेगा, इसका टेम्परेचर एकदम से राइज करना स्टार्ट कर देगा. एंड वी हैव टू वेट टिल दिस टेम्परेचर बिकम्स स्टेडी. तो इसका टेम्परेचर जो है अराउंड 91-92 डिग्री तक चला जाता है, ठीक है. देन ये जो लोअर स्लैब है, नीचे वाला मेटेलिक स्लैब, इसका टेम्परेचर जो है, इट विल राइज स्लोली एज कम्पेयर टू द टेम्परेचर ऑफ दिस चैम्बर, बिकॉज वहाँ पे बीच में एक बैड कंडक्टर हमने इंसर्ट करा हुआ है. सो दैट इज़ वाई जो इसका टेम्परेचर है, वो स्लोली स्लोली राइज करेगा. एंड वी हैव टू वेट जब तक इसका टेम्परेचर, जो लोअर वाला थर्मोमीटर है, इसका टेम्परेचर जो θ2 है, ये स्टेडी नहीं हो जाता. सो ये अराउंड 75-76 स्टेडी हो जाता है जनरली. एंड जब ये स्टेडी हो जाएगा टेम्परेचर, तो उसके बाद हमें क्या करना है कि ये वाला टेम्परेचर नोट कर लेना है. दिस इज़ θ1 which is around 91 and this is θ2 which is around 75, ठीक है. वो आपके मेटल के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे ये हमारा ब्रास है, ये जो स्लैब है, तो इसका 75-76 के अराउंड जाके स्टेडी होता है टेम्परेचर, ठीक है. तो जैसे ही टेम्परेचर स्टेडी हो गया लोअर वाले स्लैब का, ठीक है, इस स्लैब का देखना है, तो हमें क्या करना है, ये चैम्बर उठा के ये जो ब्लैक वाली डिस्क है बीच में, इसको हम निकाल देंगे, ठीक है. तो हमें इस डिस्क को रिमूव कर देना है एंड वी विल प्लेस इट अगेन. अब क्योंकि इसका टेम्परेचर तो ज़्यादा है, 91-92 के अराउंड, और नीचे वाले का कम था बिकॉज ऑफ दिस डिस्क, तो क्या होगा कि जितना इसका स्टेडी था, सपोज 75 था, उससे 10 डिग्री हमें राइज कर देना है. जब ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, तो इसका टेम्परेचर भी जल्दी से राइज करना स्टार्ट कर देगा. इसका स्टेडी टेम्परेचर 75 था, हमें 85 तक जाना है. जितना भी आपका स्टेडी टेम्परेचर आएगा, उससे 10 डिग्री ज़्यादा लेके जाना है. और उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो अपर मेटेलिक चैम्बर है, इसको जल्दी से रिमूव कर दो, ठीक है. एंड आफ्टर रिमूविंग दिस चैम्बर, नाउ वी हैव टू नोट डाउन द रीडिंग. सो जैसे जैसे ये कूल डाउन होना शुरू हो जाएगी और टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, सो वी हैव टू नोट डाउन द रीडिंग्स. यू कैन सी इन द टेबल कि आफ्टर एवरी 30 सेकेंड हमें इसका टेम्परेचर नोट करना है. तो कब तक करना है, जब तक स्टेडी टेम्परेचर से 10 डिग्री नीचे न चला जाए. सो वी आर सेइंग कि इसका स्टेडी टेम्परेचर 75 है, हम इसको 85 तक ले गए हैं,
उसके बाद हम जैसे 85 हो गया, हमने स्टॉपवॉच स्टार्ट कर दिया, एवरी 30 सेकंड के बाद वी आर टेकिंग रीडिंग्स, एंड कहाँ तक जाना है हमें, 65 तक, स्टेडी टेम्परेचर के 10 डिग्री नीचे तक, तो 65 से 85, ठीक है, ये रेंज होगी टेम्परेचर की, एंड आफ्टर एवरी 30 सेकंड वी हैव टू टेक द रीडिंग। तो जो रीडिंग आएगी दैट इज़ टाइम एंड टेम्परेचर, सो वी हैव टू मेक अ ग्राफ बिटवीन द टाइम एंड द टेम्परेचर, ठीक है, सो ग्राफ विल बी अ कर्व लाइक दिस, वी हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट ऑफ द कर्व, और वहाँ से हमें टेंजेंट से डी थीटा ओवर डी टी निकालना है, चाहे इस पर एक छोटी सी ट्रायंगल बना लो, तो उस ट्रायंगल के लिए जैसे ये दो टी की वैल्यूज आ जाएंगी, दो थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी, सो थीटा टू माइनस थीटा वन करेंगे एंड टी टू माइनस टी वन करेंगे, वी विल गेट डी थीटा ओवर डी टी। सो इसके बाद हमें और ऑब्जर्वेशन क्या लेनी है, अदर थिंग इज वी हैव टू नोट डाउन द मास ऑफ द स्लैब, जो हमारी ये स्लैब है इसको हम वेइंग मशीन के ऊपर रखेंगे और इसका मास नोट करेंगे, वन थिंग, एंड सेकेंड थिंग इज वी हैव टू नोट डाउन द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटीरियल ऑफ द स्लैब, जो भी आपका स्लैब का मटीरियल है, स्टील है, ब्रास है, उसका स्पेसिफिक हीट आपने किलो जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन में मेजर करना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करना है, वी हैव टू नोट डाउन द डायमीटर ऑफ द डिस्क, ठीक है, सो ये हमारी डिस्क है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर वी हैव टू नोट डाउन द डायमीटर, तो कोई भी ऐसे एक दो तीन, ऐसे तीन जगह से कोई तीन डायमीटर की इसकी वैल्यू ले लेनी है, एंड देन यू विल फाइंड द मीन दैट इज़ द डायमीटर ऑफ द डिस्क, एंड उसके बाद हमें नेक्स्ट चीज़ क्या निकालनी है, थिकनेस ऑफ द डिस्क, तो जो ये डिस्क है इसकी थिकनेस आपको विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज निकालनी है, ठीक है, सो हमारे पास यहाँ से थिकनेस आ जाएगी डी, जो डायमीटर हमने निकाला है वहाँ से हम रेडियस आर निकाल लेंगे, जो थीटा वन है दिस इज टेम्परेचर ऑफ द अपर थर्मामीटर जो हमने चैम्बर में इंसर्ट करा हुआ था, 91 अराउंड थी इसकी वैल्यू, और थीटा टू जो है दैट इज़ द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द थर्मामीटर टी टू जो हमने यहाँ पे स्लैब में लगाया है, इसका जो स्टेडी टेम्परेचर आया था जिसको मैं ऑलमोस्ट 75 के आसपास बोल रही थी, वो टेम्परेचर हमने यहाँ पे नोट करना है, और उसके बाद ये थीटा डी थीटा ओवर डी टी हमारा इस ग्राफ से आ जाएगा, एंड देन वी विल सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द बैड कंडक्टर, सो दैट इज़ ऑल अबाउट द लीज़ अपरेटस एक्सपेरिमेंट, थैंक यू।